दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद का विवाद गर्मा गया है। छत्तीसगढ़ के आधे से अधिक कांग्रेस विधायक दिल्ली में परेड की तैयारी कर रहे हैं। विधायक दिल्ली में छत्तीसगढ़ भवन में रुके हुए हैं, वहां मौजूद केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोपहर 1 बजे तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली पहुंच जाएंगे। ढाई साल के मुख्यमंत्री की शर्तों की चर्चा के बीच छत्तीसगढ़ सरकार की सत्ता के दो केंद्रों के बीच खींचतान चरम पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मंगलवार को राहुल गांधी से मुलाकात की थी। उनकी एक और बैठक होनी थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन बुधवार को यह नहीं हो पाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वापस लौट आए। रायपुर हवाई पर मुख्यमंत्री के समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन किया था। उधर टीएस सिंहदेव भी प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के कहने पर रुक गए। गुरुवार को अचानक राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला। गुरुवार दोपहर से मंत्रियों विधायकों के दिल्ली जाने का सिलसिला शुरू हो गया। मंत्री शिव डहरिया संसदीय सचिव विकास उपाध्याय दोपहर को ही दिल्ली पहुंच गए। शाम को मंत्री अमरजीत भगत भी दिल्ली पहुंच गए। उसके बाद करीब 30 विधायक भी दिल्ली पहुंच गए। इनमें बृहस्पत सिंह, देवेंद्र यादव, कुलदीप जुनेजा, शिशुपाल शौरी, विनोद सेवनलाल चंद्राकर, विनय भगत, प्रकाश नायक, किस्मत लाल नंद, द्वारिकाधीश यादव, चंद्रदेव राय, यूडी मिंज, विनय जायसवाल, गुलाब कमरो, गुरुदयाल बंजारे, पुरुषोत्तम कांवर, कुंवर निषाद, चिंतामणि महाराज, भुवनेश्वर बघेल, आशीष छाबड़ा, लक्ष्मी ध्रुव, रश्मि सिंह और शकुंतला साहू शामिल हैं। दिल्ली में अमरजीत भगत ने ही इन विधायकों का स्वागत किया। बताया जा रहा है, रात में सभी लोग प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के आवास पर गए थे। बस्तर के मंत्री विधायक सुबह निकले। मंत्रियों विधायकों के दिल्ली जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। आज मंत्री कवासी लखमा, विधायक रेखचंद जैन, राजमन बेजामिन और चंदन कश्यप गए हैं। दुर्ग विधायक अरुण वोरा भी सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वोरा दिवंगत नेता और लंबे समय तक कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे मोतीलाल वोरा के पुत्र हैं। मुख्यमंत्री विशेष विमान से जा रहे हैं। वे दोपहर बाद 1 बजे दिल्ली पहुंचकर सीधे छत्तीसगढ़ सदन जाएंगे। 2 बजे उनकी राहुल गांधी से मुलाकात तय है।